फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रीन फिल्म स्टूडियो में मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे यहाँ आने का एक मौका मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल रवि सर, शहनवाज सर, अवैध सर, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मैं इन्होंने एक मौका मुझे चांस दिया यहाँ आने का। और आगे का करियर हम मुझे लगता है इन्हीं के हाथों में है, यही आगे डिपेंड करते हैं हमारी एक छोटी सी लाइफ पर। क्या कर रहे हो? क्या है ये पोस्टर पीछे लगा है? तो कुछ करा बताओगे? कुछ में तुम्हारा फोटो भी दिख रहा है। हाँ, इसमें मेरा फोटो दिख रहा है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था मैं इतने बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ खड़ा हूँ। मुझे मतलब मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आगे चलने का। इन इनके हेल्प से मैं शायद मैं आगे निकल सकता हूँ सर। तो क्या कर रहे हो आज स्टूडियो में? आज हम दो सॉन्ग लेके आया हूँ मैं रिकॉर्डिंग के लिए, एज ए सिंगर या एज ए एक्टर की कैसे काम कर एज ए रहे हो? सिंगर, एज ए सिंगर की तरफ से। इसलिए मुझे हाँ ऑफिशियल से रेडी हाँ चाहिए। तो क्या है गाना, कुछ गा के दिखाओ। कैसा गाना गाते हो? कोई सा भी गाना। ये एक गाना है दे दे प्यार दे फिल्म का, जुदा हम हो गए माना मगर ये जान लो जाना, कहीं मैं याद आऊं तो चले आना चले आना। नहीं, अगर बाकी सुनो, एक ही लाइन चलो सुनी ठीक है, है ओके 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 डन। सर इनके बारे में। शहनवाज सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे ही मेरी मुलाकात हुई थी। इनका ही मेरे पास कांटेक्ट नंबर था, इन्हीं से मेरी मुलाकात हुई थी। इन्होंने ही मुझे मुझे लगता है इन्होंने ही आगे बढ़ाया है, मुझे उन सब स्टारों के साथ मिलाया है जहाँ पे आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। आ जाओ सर। बड़े भैया हरीश चौधरी नाम है इनका। एज ए फैमिली मेम्बर बहुत इन्होंने हमारी हेल्प की है, चाहे वो किसी भी काम के मामले में हो, किसी भी एरिया हो, किसी भी पीरियड्स में हो, चाहे हमारी डिफिकल्टीज हो हमारे घर पर या कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये हमेशा हमारा साथ देते हैं। एक्चुअली आज यही आज 19 किलोमीटर के घंटे का सफ़र इन्होंने मेरे साथ तय किया है, इतनी बड़ी हेल्प की है मेरी लाइफ यहाँ गार्ड हो तुम लाने यार। तक। मैं तो यही कहूँगा कि मेरी वजह से सही, सर की वजह से सही, इसको कोई एक मुकाम मिले, बहुत अच्छा मुकाम मिले जिससे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे पहुँचे। तो किस तरह की हेल्प कर रहे हो आप भाई? बस मेरे से जो बनता है वो करता हूँ। आज क्या चल रहा है स्टूडियो में, कुछ बताओगे? आज हम रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं। एक सिंगर हमारे साथ आया है, आपका नाम विवेक जी, विवेक शर्मा नाम है उनका। तो उनकी रिकॉर्डिंग के लिए आए हैं। तो अभी फिलहाल इनका रिकॉर्डिंग होने वाला है। और अभय सर तो काफ़ी अभी बाहर दूर है, मीटिंग में, उनकी मूवी चल रही है तो मूवी के लिए मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे साथ रवि सर भी हैं जो कि कुछ देर में वो भी प्रेजेंट होने वाले हैं यहाँ पे। तो मैं ये जो भी हमारे सिंगर आते हैं, तो हम जो भी फ्रेशर है तो उनको मैं आगे बढ़ने का एक चांसेस देता हूँ। प्लीज़ आगे बढ़े, मैं सपोर्ट फुल करता हूँ। उनको भी एक मौका मिलना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम मुंबई में काफ़ी देख रहे, काफ़ी जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर बाहर से भी लोग आते हैं तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। और एक्चुअली वहाँ पे उनको जो जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाते, राइट? तो बिकॉज़ ये है कि रवि सर, अभय सर और मैं एक ऐसा प्लान किए कि जो भी स्टूडेंट है या जो भी एक कलाकार इंसान जो अभी ग्रोथ हो रहा है, जो भी नए नए लोग आ रहे हैं, जो उनको चांस नहीं मिल पा रहा है, जो ऑडिशन से फेल हो जाते हैं, नहीं आ पाते, तो उनको एक लाइफ में कुछ एक चांस देने चाहिए। क्या मालूम है उसका लक से आगे निकल जाए वो, किसी का लक कोई बता नहीं पाता है। तो रवि सर और अभय सर और मैं, हम तीनों जन ने एक ऐसा प्लान बनाया कि हर एक फ्रेशर को, जो फ्रेशर है उनको एक प्रेजेंटी, एक न्यू सॉन्ग या फिर कवर सॉन्ग उनको लॉन्च करना चाहिए। उनकी आवाज़ कैसा है वो ऑडियंस को कान तक आना चाहिए, क्या उनकी आवाज़ है। तो ऑडियो जो आवाज़ है उनकी, जो ऑडियंस पसंद करेगी, तभी तो पता चलेगा कि इनकी आवाज़ में कितना दम है, कितने कितने लोग इनकी व्यूवर, कितने लाइक सब्सक्राइब करते हैं, कितने इनको फॉलो करते हैं। तो बट हम होप से ये करता हूँ कि प्लीज़ ऑडियंस सपोर्ट करें विवेक जी को, और हमको सपोर्ट करो, हमारी टीम अभय सर, रवि सर, हम तीनों जन को सपोर्ट करें। और हम ऐसे नए नए लोग जो भी हमारे टैलेंटेड है, जो अभी जो
जो मतलब स्ट्रगल कर चुके कर रहे हैं, जो नहीं कुछ कर पा रहे, उनको हम हेल्प करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, और बस उनका लक होगा तो आगे जरूर निकलेंगे। रवि सर को, ये रवि सर को बोलना चाहता हूँ, प्लीज आगे प्रेजेंट हो यहाँ पे और दो बातें बोले मीडिया के सामने। तो रवि सर प्लीज कम नहीं है। यस यस, हाय गाइस, थैंक्स टू एवरीवन फॉर, वी आर ऑन बिहाफ ऑफ, हेलो एवरीवन, सो ऑन बिहाफ ऑफ ग्रीन फिल्म स्टूडियोज, ग्रीन म्यूजिक ऑफिशियल, माई सेल्फ रवि देव, रवि भगत, सो आई वुड लाइक टू give vote of thanks to the Greenfield Music team and for getting more and more singers across India. Aaj hamare saath aaye hain Mr. Vivek Sharma ji aur we are giving and launching him from our official channel Green Music Official. Aur mujhe pura yakeen hai inka awaaz maine suna, we have got the details aur of course mujhe bahut pasand aaya inki awaaz. तो आज मैंने इनका मौका दिया है, हमारे टीम ने मौका दिया है, मिस्टर शहनवाज खान, मिस्टर अभय देव जो टीम मेंबर्स हैं हमारे, बहुत एफर्ट लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं कि यंग और टैलेंटेड सिंगर्स हमारे साथ जुड़े और आगे बढ़े। बहुत सारे लोग वॉइस ऑफ इंडिया, डांस इंडिया, डांस में स्टूडियो राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर फाइनल राउंड में रिजेक्ट होते हैं, तो उसे अपसेट हो जाते हैं पेरेंट्स काफ़ी सारे कि शायद मेरे बच्चों को में वो कला नहीं है या वो टैलेंट नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 5 से 10 मिनट में एवेल्युएट कर पाना किसी सिंगर को, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो जब तक वो स्टूडियो में आकर के गाएंगे नहीं और अपनी गलतियां, कभी कभी हाई बीट पे गाते हैं वो और बीट कभी कभी छूट जाता है, तो हम चाहते हैं कि वो अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करें और हम उनको एक तरह से ट्रेनिंग भी देते हैं और साथ साथ में रिहर्सल्स भी कराते हैं ताकि वो अपनी गलतियों को सुधारें और आगे चल कर के अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करें ताकि उनको आगे बढ़ने का भी मौका मिले। और ऐसे ही बहुत सारे सिंगर्स हैं, लाखों सिंगर्स ऐसे हैं जो स्ट्रगल करते हैं, आते हैं इंडस्ट्री में मुंबई जैसे हब में आते हैं, बट उनके पेरेंट्स निराश हो जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है क्या कि उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, बच्चे को मौका देना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है आज विवेक शर्मा और उनके जो भाई हैं हरीश जी हैं, और पिताजी का नाम हाँ फक्ति नाम शर्मा जी, जो मैं उनको भी थैंक्स करना चाहूँगा, उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों पे ट्रस्ट करते हैं कि उनके बच्चे किसी न किसी आर्ट को लेकर के न केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, साथ साथ में जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसमें अपना योगदान दे सके ताकि हमें नए टैलेंटेड सिंगर्स को मौका मिले। तो मैं चाहूँगा एक बार हमारे जो सिंगर्स हैं एक बार हमारे स्क्रीन पर आए और उनके भाई भी आए, तो के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहेंगे अभी आपको, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है भाई को, तो यही कहना है, मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे इनको थैंक्स करने के लिए या हमारे सर के लिए। एक अपने आप में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसे तो ये इसके बारे में कुछ म्यूजिक के बारे में बताएंगे, कहाँ रिलीज होगा, कैसे शूटिंग होगा, इसका कुछ खुलासा करिए। इसका जो पहले तो म्यूज़िक बनेगा, म्यूज़िक एडिट होगा, मिक्सिंग होगी और पूरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगा, और उसके बाद वो सॉन्ग रिकॉर्ड होकर के इनका वीडियो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो स्टूडियो का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्डेड वर्जन हम लोग रिलीज करेंगे ग्रीन म्यूज़िक ऑफिशियल से, और हम कोशिश करेंगे कि अगर सारा चीज़ बेस्ट रहा तो इसके लिए टीवी और एक्टर और एक्ट्रेस या भी जो टीम मेम्बर्स हैं वो लोग आगे बढ़ करके उनको, जो यंग टैलेंटेड एक्टर्स हैं चाहे वो एक्ट्रेस हो, इनके गाना पे वो परफॉर्म करेंगे। तो शायद उन फ्रेशर्स को भी मौका मिल पाएगा जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेस हैं, या फिर और साथ साथ में यंग सिंगर्स को भी मिल पाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी सभी के लिए, एक पूरी तरह से टीम वर्क होगी, ग्रुप वर्क होगी, और उसका रिकॉर्डेड वर्जन हम लोग जल्द ही रिलीज कर देंगे एडिटिंग और सॉन्ग कम्प्लीट होने के बाद। जब फर्स्ट टाइम जब विवेक जी ने मुझे व्हाट्सएप किया था खुद का रिकॉर्डिंग, तो मुझे बोले कि सर जी प्लीज़ ये बात चेक कर लो। तो काफ़ी हमारे व्हाट्सएप पे अभी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, काफ़ी हमारे व्हाट्सएप पे काफ़ी लोगों का और आया रिकॉर्डिंग। तो फिलहाल देखो हमने कितने लोग का चेक अभी तक नहीं किया चेकअप, ठीक है, तो कितने लोग का मैंने चेकअप अभी तक नहीं किया है। तो बिकॉज़ मैंने काफ़ी कॉल किया है तो इनको मैंने चेक किया कि क्या ऐसा क्या चीज़ है, ये बार बार कॉल करता बंदा क्यों कर रहा है। तो वो चीज़ को मैंने देखा, मैंने दो बार सुना, फिर
फिर रात को मैंने सोते वक्त फिर मैंने उसको फिर ओपन किया, मैं बोला है क्या ये, फिर उसको मैंने सुना तो मैं एक्साइट हुआ। तो मैं रात को 1 बजे रात को अभय सर को कॉल किया, तो अभय सर को कॉल किया, मैं बोला एक मैं एक वॉइस आया एक बंदे का विवेक शर्मा करके, तो उनका वॉइस मैंने सुना तो उसमें कुछ टैलेंट दिख रहा है मुझे, तो मैं अभी आपको फॉर्मेट कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सुनो। तो अभय सर ने बोले ठीक है हाँ अभी जल्दी करो ठीक है। तो मैं उनको किया, तो कॉन्फ्रेंस पे रवि सर से भी बात हुई, तो रवि सर भी देखे तो बोले कि हाँ ये बंदे में है टैलेंट है, तो उनको एक बार बुलाया जाए एक चांस दिया जाए। तो मैं अभी इनको फिर मैंने मैसेज किया ठीक है तो आप में टैलेंट है तो मुझे एक कॉन्फ्रेंस पे कॉल मुझे कॉल पे एक गाना दिखाओ कि आप ही का रिकॉर्डिंग या फिर या किसी और का है। तो इन्होंने सुना है मुझे तो मुझे अच्छा लगा, तो इनको मुंबई मैंने बुलाया और एक न्यू सॉन्ग जो भी हमारा सॉन्ग बन गया है 2 सॉन्ग उन पर इनको एक चांस दिया गया है। तो इसमें योगदान हमारे रवि सर अभय सर मैं हम तीनों शर्मा सर का इन तीनों जिनका सपोर्ट है आगे बढ़ाने का, जो भी फ्रेशर आते हैं उनको एक चांस देते हैं हम। चलो थैंक यू ओके।